कच्चे प्याज के ये फायदे जानकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अष्टांग रिदम, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब आज से हज़ारों साल पहले वाग्भट ऋषि ने लिखी थी, उनके अनुसार कच्चे प्याज यानी कि जो रॉ ऑनियन होता है उसके इतने बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। 12 कौन कौन से भयंकर रोग यानी कि 12 कौन सी गंभीर बीमारियाँ प्याज खाने से जड़ से ख़त्म होती हैं के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी बालों से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, इसके अलावा इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके घर में किसी की कम रहती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, वायरस से बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता अगर आपके शरीर की बहुत कम है, इसके अलावा पुरुषों में जो कमज़ोरी होती है, महिलाओं में जो अंदर की कमज़ोरी होती है, आप समझ पा रहे होंगे, जो शादी के बाद दिक्कतें आती हैं, इस प्रकार की कोई भी कमज़ोरी रहती है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत एक सेकंड के भीतर आपके फ़ोन में मिल जाए। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपको प्याज किस किस चीज़ के साथ में सेवन करना है, क्योंकि खाली प्याज खाने से फ़ायदा नहीं होता है, आपको साथ में कुछ चीज़ें लेनी होती हैं। शहद किसको लेना है, हल्का गुनगुना पानी किसको लेना है और अन्य जड़ी बूटियाँ किसको लेनी है, कौन कौन सी बीमारी में लेनी है और कितनी बार लेनी है दिन में, सही जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर हम कच्चे प्याज के सबसे पहले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में बात करें, तो अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही है, आपके घर में किसी को भी मोतियाबिंद की समस्या है, आंखों की दूर की रोशनी जिनकी कमज़ोर हो रही है खासकर, और पास में जिनको नज़दीकी से पढ़ने में काफ़ी धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको कच्चे प्याज का प्रयोग बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको 1:1:1 की रेशो में क्या लेना है, यानी कि जितनी मात्रा में आप प्याज का रस लेंगे उतनी ही मात्रा में आपको शहद लेना है, और उतनी ही मात्रा में आपको नींबू का रस लेना है, यानी कि 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, तीनों को मिला करके आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 5 से 7 दिन इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और इसको आंखों में सुबह दोपहर और शाम को डालने से दोस्तों आंखों की रोशनी बहुत ही धीरे धीरे करके तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है उनको दोस्तों सुबह उठ करके हरी घास पे नंगे पैर चलना चाहिए, साथ में जो नीचे पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे तेल की, सरसों के तेल की मसाज करनी चाहिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में ये मदद करता है तीनों नुस्खे। साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि आंखों की रोशनी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कच्चा प्याज का दूसरा फायदा। दोस्तों, अगर आपको बालों के झड़ने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, पहले बात करते हैं बालों के हेयर फॉल से रिलेटेड, झड़ रहे हैं अगर आपके बाल, दूसरा मैं आपको बताऊंगा जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, अगर आप अपने बालों को दोबारा से उगाना चाहते हैं, बालों की रीग्रोथ करना चाहते हैं, दोस्तों गंजी खोपड़ी पे बाल उगाना चाहते हैं, बाल जिनके पतले उनको लंबा घना मोटा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि उम्र से पहले सफेद ना हो, तो उनके लिए पहले मैं प्रयोग बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, जो पीली वाली मधुमक्खी होती है ना, जो काटती है शहद नहीं देती है, आपको उसका छत्ता 50 से 100 ग्राम की मात्रा में ले लेना है। दोस्तों, जो पीले येलो कलर की जो मधुमक्खी होती है उसको ततैया भी बोलते हैं, तमूड़ी भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ये दोस्तों आपको उसका छत्ता लेना है 100 ग्राम की मात्रा में, 50 से 100 ग्राम की मात्रा में, और दोस्तों जितना आपने छत्ता लिया उतनी ही मात्रा में आपको नारियल का या फिर सरसों का तेल लेना है। धीमी आँच पर जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें दोस्तों आपको छत्ता भी टुकड़े टुकड़े करके और साथ में तेल को भी पकाना है। पकाने के बाद जैसे वो ठंडा हो जाता है, अगर आप चाहें बीच में सदाबहार के फूल भी डाल सकते हैं, और साथ में दोस्तों 3 से 4 चम्मच प्याज का रस ठंडा होने के बाद दोस्तों अगर आप इसके बीच में मिला करके अपनी खोपड़ी में लगाते हैं नहाने से आधा घंटा पहले, तो दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको बालों के झड़ने से संबंधित समस्या रहती है वो 1 हफ्ते के भीतर भीतर जड़ से खत्म हो जाती है। बालों को ये लंबा करता है, नुस्खा घना करता है, मोटा करने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं कच्चा प्याज अगर आप सैलेड के रूप में सेवन करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, वैसे तो कच्चा प्याज तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है, यानी कि नेगेटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनको ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी में बढ़ानी है, जिनको खून को थोड़ा पतला करना है,
जो चाहते हैं कि उनको हृदय रोग से संबंधित समस्या ना हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको हो गई है तो फिर आप सैलेड के रूप में प्याज का सेवन कर सकते हैं, अच्छा होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ में दोस्तों आपका जो रक्त का संचार होता है ना पूरी बॉडी में बहुत ही स्मूथली होता है इसके कारण। आइए जानते हैं कच्चा प्याज सेवन करने के अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी ब्लड शुगर की समस्या रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो दोस्तों हल्के गुनगुने पानी के बीच में 4 से 5 प्याज की बूंदें और साथ में दोस्तों जामुन की गुठली का चूर्ण अगर हम मिला करके मरीज को देते हैं सुबह खाली पेट, तो दोस्तों इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में होने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। आइए जानते हैं कच्चे प्याज के अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपकी इम्यूनिटी, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती है, कारण कई सारे हो सकते हैं, अगर आपके माता पिता की इम्यूनिटी काफ़ी कम थी तो स्वाभाविक बात होती है, नेचुरल बात होती है, जीन्स जो आपके होते हैं उसकी वजह से आपकी भी इम्यूनिटी कम होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हमेशा ही इम्यूनिटी कम रहेगी, इसको बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, जैसे कि जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब मैं आपको प्याज का प्रयोग बताता हूँ। हल्के गुनगुने पानी में दोस्तों आप चाहें तो 2 चम्मच गिलोय का रस मिला करके और 1 चम्मच दोस्तों प्याज का रस मिला करके सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, हफ्ते में 3 बार। ध्यान से सुनिए, मैं डेली खाने को पीने को नहीं कह रहा आपको, आपको डेली प्याज का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। YouTube पे आपको काफ़ी बार बताया जाता है कि डेली प्याज खाएं, लेकिन डेली आपको प्याज नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में 3 बार अगर आप ये प्रयोग करते हैं जो मैंने आपको बताया पानी के बीच में मिला करके, तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही गजब के तरीके से 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। एक बात का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं कच्चे प्याज के अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में। दोस्तों प्याज के बीच में विटामिन सी और कैल्शियम बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि आपके जो दांत होते हैं, हड्डियां होती हैं, दांतों जो दांत होते हैं ना, हड्डी होती है एक तरह की, आपको पता होगा, तो उनको मजबूत रखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक, बुढ़ापे तक दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। साथ में आप दांत आपके जल्दी नहीं सड़ेंगे। प्रयोग किस तरह से करना है, सैलेड के रूप में आप इसको खा सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार। इसके अलावा पानी में मिला करके, जैसे मैंने आपको बताया, हल्के गुनगुने पानी में आप 3-4 बूंदें प्याज के रस के मिला करके सीप सीप करके घुट घुट करके सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। बीच में चाहें तो दोस्तों आप अदरक का, लहसुन का भी रस मिला सकते हैं थोड़ा, 1 से 2 बूंदें, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं आपकी ओरल हेल्थ के लिए। इसके अलावा जिनकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं, यानी कि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, गठिया की समस्या रहती है, कोई भी अन्य प्रकार की हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों प्याज का किसी भी फॉर्म में प्रयोग करना, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में, हड्डियों में, हाथों पैरों में दर्द रहता है, आपको गठिया की समस्या रहती है, तो आपको गुनगुने पानी में सुबह उठ करके हफ्ते में 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, ध्यान से सुनिए, हफ्ते में 2 बार आपको प्याज का रस 2 से 3 बूंदें हल्के गुनगुने पानी में मिला करके अवश्य प्रयोग करना चाहिए। साथ में सिर्फ ये सेवन करने से आपके घुटनों का दर्द ठीक नहीं होगा, इसीलिए कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, साथ में मालिश करना अपने शरीर की हड्डियों की, जोड़ों की, बिल्कुल भी ना भूलें। मालिश करने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, पीड़ांतक तेल के नाम से आपको एक आयुर्वेदिक तेल मार्केट में मिलता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है मालिश करने के लिए। जैतून का तेल भी बहुत अच्छा होता है मालिश करने के लिए। दोस्तों आइए जानते हैं कच्चे प्याज सेवन करने के अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में। दोस्तों आपको भूख ज़्यादा लगने में ये मदद करता है। अब कई लोग क्या करते हैं, सैलड के फॉर्म में जो प्याज खाते हैं ना, सलाद की तरह जो प्याज खाते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादा खाना खा पाते, कारण क्या होता है, एक तो टेस्ट भी आता है, साथ में मज़ा भी आता है, और साथ में भूख को भी बढ़ाने में ये मदद करता है। जल्दी जल्दी आपका खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा, क्योंकि पेट के लिए भी अच्छा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपके जो पाचन क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी बहुत ही अच्छी से गति देने में, यानी कि चलाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मदद करता है। पेट के एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि खाना पचाने में मदद करते हैं, उनको भी अच्छे से चलाता है।
इसके अलावा दोस्तों, जिनके शरीर में खून की कमी रहती है, खून जिनके शरीर में बहुत ही कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल जिनके शरीर में बहुत ही कम हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। हफ्ते में 2 से 3 बार या फिर किसी भी फॉर्म में, सैलड के फॉर्म में, सलाद के फॉर्म में प्याज का आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कच्चे प्याज का, क्योंकि तड़के वाले प्याज का कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।